नमस्कार। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 की मॉडल क्वेश्चन पेपर का यह पार्ट 4 वीडियो है। इसमें मैं प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 31 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो यहां देखिए 1/2, पहला विकर्ण कितना है, यह है एक विकर्ण है 24 और दूसरा विकर्ण है 10, तो 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 12, यानी ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा है, डी नंबर। प्रश्न संख्या 32, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर पहले जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो इसका एक फिगर मैं बना रहा हूं, देखिए। इस तरह का समलंब चतुर्भुज हो सकता है, तो किसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसकी एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। आप देखें यहां पर ये AB और ये DC ये समानांतर है, और बाकी दो जोड़ी जो है वो समानांतर नहीं है। आप देख लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, और समांतर भुजाएं क्या है, 8 और 10, 8 प्लस 10 और ऊंचाई है 5। तो ये हो गया 1/2 गुना 18 गुना 5, तो 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो ये जो घन है ये 3D आकृति होती है, और ये कैसा होता है, आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो पासा होता है वो घन की आकृति का होता है, अर्थात इसके सारे फलक बराबर होते हैं। ठीक है,
तो घन का आयतन क्या होता है? का घन फॉर्मूला, घन का आयतन तो ये होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो यहां भुजा कितना दिया हुआ है? 5, तो इसका क्यूब हो गया, तो ये हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन है, ए नंबर में 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और बी नंबर में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी हम किसी भी आकृति का जब हम 3D आकृति का आयतन निकालते हैं तो हमेशा वो क्यूब होता है, है ना। स्क्वायर तो क्षेत्रफल में होता है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 34, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन, अभी मैंने कहा था कि प्रश्न संख्या 33 में कि घन का जो फलक होता है, सभी फलक बराबर होते हैं और उसमें 6 फलक होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो 6 फलक होता है और एक फलक जो होता है वो वर्ग की तरह होता है, उसका उसके सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और इसमें कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं, तो ये हो गया 6L² ये बी नंबर हमारा हो गया 6L² एक बॉक्स की लंबाई, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो ये बॉक्स होता है, आप बॉक्स तो देखते हैं, तो बॉक्स जो होता है वो घनाव की आकृति का होता है, है ना। तो इसका आयतन वही होगा जो घनाव का आयतन होता है, तो बॉक्स का आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 5 और ऊंचाई है 3, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना, तो हमेशा क्यूब होगा। प्रश्न संख्या 36, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेलन कैसा होता है, आप ड्रम देखते हैं, बस वो ड्रम की ही आकृति का वही बेलन कहलाता है, ड्रम की जो आकृति है वो बेलन की आकृति है, देखिए इस तरह का है ना ये, तो इसका आयतन निकालना है। तो बेलन की आयतन का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आर क्या है? ये है त्रिज्या, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर में आप वृत्त देख रहे हैं, नीचे भी वृत्त देख रहे हैं, तो इसकी जो त्रिज्या होती है वही आर है। और एच क्या है? ये ऊंचाई है, एक्स जो है ना, एच जो है वो ऊंचाई है ये, ठीक है ना। और पाई का मान कितना होता है? 22/7, ये हो गया 22/7। और आर स्क्वायर, तो आर कितना हुआ है?
आर है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या जो है वो 7 है, तो ये 7 स्क्वायर और ऊंचाई है 5। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 स्क्वायर को हमने इस तरह से लिखा गुना 5, तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी आप इसको गुना करके देखें, 22 को पहले 7 से करें और फिर 5 से करें, या 22 को 35 से, चलिए करके देखते हैं। 22 गुना 35, 5 दूनी 10 का 0, हाथ मेरा 1, 5 दूनी 10 एक 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 7 7, तो ये हो गया 770 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, आयतन है क्यूब होगा। प्रश्न संख्या 37, वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा है। तो ये वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं ना, तो ये इसकी निम्न सीमा हो गई और ये इसकी उच्च सीमा हो गई, तो यहां निम्न सीमा पूछा गया है, तो ये बी नंबर। प्रश्न संख्या 38, आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर है, तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? परिसर, तो परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम आंकड़ा घटाओ निम्नतम आंकड़ा। तो यहां पर उच्चतम यानी सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? 12 है, और सबसे छोटा देखिए कौन सा है? 2 है, तो 12 से 2 घटाए तो कितना आया? 10। तो इस ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका परिसर है 10। मिलान चिन्ह ये दर्शाता है, देखिए यहां पर ये गलत छपा हुआ है, है ना, ये प्रिंट वालों ने गलत किया है, ये ऐसा होगा 2, 3, 4 और ये ऐसा होगा, है ना, ठीक है ना, ये जो क्रॉस वाला जो लाइन है ना, वे इधर आ गया है गलती से, यहां होना चाहिए था, तो मिलान चिन्ह दर्शाता है। तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा इस तरह से देने की परंपरा है, तो ये हो गया 5 और ये इधर 6, 7, तो ये मिलान चिन्ह किसको दर्शाता है? 7 को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 40, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ये वर्ग अंतराल जो है ना, इसका निम्नतम सीमा जोड़ उच्चतम सीमा, निम्नतम प्लस उच्चतम बटा 2, तो ये हो गया 50/2 यानी ये हो गया 25। तो वर्ग चिन्ह हम ऐसे ही निकालते हैं, निम्नतम प्लस उच्चतम जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट 4 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 31 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया, और इसका मुझे ऐसा है कि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आप बोर्ड की परीक्षा में या वर्ग की परीक्षा में आप आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।